मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, हम पैराडाइज नॉर्थ कैंप से चल पड़े हैं। आज हमारी राइड का डे 6 है। आज का जो प्रोग्राम है, हम जा रहे हैं दोस्तों तुर्तो पीओके के बिल्कुल करीब है एक विलेज है, और बिल्कुल ये पीओके के पास पड़ता है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे तुर्तो को। और जो समय हुआ है, अभी लगभग 9 बज चुके हैं और हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। कैंप बहुत ही बढ़िया था, और लेकिन रात को बहुत ठंड हो गई थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने गर्म कपड़े जरूर साथ में लाएं, क्योंकि दिन में तो आप टेम्परेचर सही रहता है, रात को यहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है। रजाइयों में भी ठंड लग रही थी। दोस्तों, कल हम आए थे ले से अंदर को, और कल हमने एक्सप्लोर किया था नुब्रा वैली को और सैंड ड्यून्स को। काफी मजा आया है, काफी एंजॉय किया हमने नुब्रा वैली को, अंदर को बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे डबल हम कैमल भी मिलते हैं, जो सिर्फ इसी जगह पे मिलते हैं। तो काफी आप एंजॉय करेंगे अगर आप अंदर आते हैं। लेकिन हम उससे भी आगे जा रहे हैं तुर्तुक विलेज को एक्सप्लोर करने, जो कि यहाँ से लगभग 93 किलोमीटर पे है तुर्तुक विलेज। और मोस्टली टूरिस्ट वहाँ पे नहीं जाते हैं, और अंदर से लोग वापस ही चले जाते हैं, तो बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं तुर्तुक को। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इंडिया का आखिरी विलेज। व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू! देखिए दोस्तों, कितना शानदार व्यू है, और हमें जो दिखाई दे रहा है बहुत ही शानदार है, और आपको भी अच्छा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप लाइव देखेंगे तो उसका एहसास ही अलग होता है। हम अब नुब्रा वैली से जा रहे हैं शायोग वैली में। जो तुर्तुक का एरिया है वो शायोग वैली का एरिया है, और इस पूरे रास्ते में बहुत ही शानदार आपको लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों, एक बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है सामने, देखिए कितना शानदार। एक सामने माउंटेन है जिसको काट के रास्ता बनाया हुआ है, और एक छोटा सा ब्रिज है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दोस्तों, तुर्तुक के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि तुर्तुक 1971 से पहले पाकिस्तान के कब्जे में था, और 1971 के बाद हमने 4 विलेज पाकिस्तान से वापसी ले लिए हैं। 4 में से एक जो तुर्तुक, जो कि सबसे फेमस है, वो एक बाल्टी रीजन है। दोस्तों, तुर्तुक की एक और खासियत है कि यहाँ से आप काराकोरम माउंटेन रेंज को देख सकते हैं, जो वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। तो वो तुर्तुक से आपको बिल्कुल दिखाई देती है। अगर आप देखना चाहें तो एक दिन आप स्टे कीजिए तुर्तुक में, और वहाँ पे आप एक्सप्लोर कीजिए पूरे तुर्तुक को, तो वहाँ से आपको काराकोरम माउंटेन रेंज दिखाई दे जाएंगी। तुर्तुक का बहुत ही विशेष महत्व है हमारी जर्नी में। मैं बता दूं, जो ले से इसका डिस्टेंस है आई थिंक 205 किलोमीटर का है जो तुर्तुक का, और ये शायक वैली के अंदर आता है। नुब्रा वैली से पहले नुब्रा वैली आएगी, उसके बाद शायक वैली आएगी। तो काफी ब्यूटीफुल लैंडस्केप है यहाँ तुर्तुक में, और यहाँ का कल्चर बहुत ही अमेजिंग है, और यहाँ के लोग भी बहुत अमेजिंग है। तो आज मजा आने वाला है हमारी इस तुर्तुक राइड पे। ये देखिए दोस्तों, कितना ब्यूटीफुल व्यू सामने आ रहा है। शायोग रिवर हमारे साथ साथ चल रही है, और ये तुर्तुक तक लास्ट तक, मतलब ये जो आखिरी पीओके का थांग विलेज है, वहां तक ये रिवर हमारे साथ ही रहेगी। तो तुर्तुक के बाद 2 विलेज और आते हैं, आई थिंक त्याखी और थांग विलेज। आखिरी जो है थांग विलेज है, जो हमारी बीएसएफ की पोस्ट है आखिरी, वो है थांग में। उससे पहले त्याखी आएगी, जहाँ पे बीएसएफ का बैरिकेड लगे हुए हैं, वहां पे आपको परमिट दिखाना पड़ेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि तुर्तुक के लिए आपको इनर लाइन परमिट अलग से लेना पड़ेगा, वरना आप यहां पे एंट्री नहीं कर पाएंगे। जैसे नुब्रा वैली में लेते हैं, उसी तरह आपको तुर्तुक के लिए भी इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। Now I'm the fool, why you breaking rules?
दोस्तों तुरतुक एकमात्र बाल्टी रीजन है हमारे इंडियन टेरिटरी में। इसके अंदर काफी बाल्टी कल्चर आपको मिलता है, बाल्टी भाषा बोली जाती है, इसके साथ लद्दाखी भाषा बोली जाती है और उर्दू भाषा बोली जाती है और कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। तो काफी मिला जुला हमारी संस्कृति है इस तुरतुक के अंदर और यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल हैं और खुश मिजाज हैं। वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। अगर आप जाते हैं तो आप दिल खोल के मिलते हैं, आपके साथ खाएंगे पियेंगे, ऐसी कोई मतलब की भेदभाव नहीं है इन तुरतुक के लोगों में। काफी अच्छा कल्चर है तुरतुक का, तो एक बार आपको यहाँ पे तुरतुक में जाना चाहिए। हम जा रहे हैं लेकिन हम स्टे नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ जब भी तुरतुक आऊंगा तो मैं स्टे जरूर करूंगा। अभी आगे एक कोई विलेज आ रहा है तो हम पता करते हैं कौन सा विलेज है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, फोन का कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, ना BSNL चल रहा है ना एयरटेल चल रहा है। तो हम पता करते हैं, कहीं हमें इमरजेंसी कॉल करनी है, बात करते हैं। अब आगे बढ़ चुके हैं तुरतुक की तरफ। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जैसे आपको पता है कि लद्दाख रीजन पूरा हाई अल्टीट्यूड एरिया है और जिस वजह से यहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है और जो भी हमारे नॉर्थ से लोग आते हैं तो उनको काफी परेशानी होती है। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी आओ आप श्रीनगर वाले रूट से आओ, क्योंकि आप 3-4 दिन में पहुंचते हैं लेह लद्दाख तो वहां 3-4 दिन में आप यूज टू हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम अल्टीट्यूड बढ़ाते जाते हैं तो उतना हमारे बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। और उसके लिए एक चीज और भी आपने करनी है कि आप ORS के पैकेट अपने साथ रखें और पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन काफी मात्रा में होती है। अगर आप पानी भी पीते हैं तो भी आपको बॉडी में ऑक्सीजन मिलती है और उसके अंदर का ORS का घोल डाल के पिए और उससे आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी और ऑक्सीजन लेवल भी आपका बढ़ेगा। और हम तुरतुक में पहुंच चुके हैं, ये है तुरतुक विलेज। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि 2010 से पहले तुरतुक में किसी भी टूरिस्ट को एंट्री नहीं थी और कोई भी विजिट नहीं कर सकता था तुरतुक में। 2010 में तुरतुक गांव वालों ने पिटीशन डाली कि भी हमें रोजगार चाहिए, हमें काम चाहिए, तो हमें टूरिस्ट चाहिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि चलो टूरिस्ट आना चाहिए तुरतुक में, ताकि लोग तुरतुक के जो गाँव वासी है तो उनको काफी सपोर्ट मिले, उनको फाइनेंशियली काफी हेल्प मिले, जिसकी वजह से 2010 में यहाँ पे टूरिज्म को खोल दिया गया। और जब हम लास्ट विलेज जाएंगे, थांग है जो आई थिंक 16 के बाद वहाँ पे अलाउ किया गया, तो अभी हम तुरतुक विलेज से निकल रहे हैं। ये है तुरतुक विलेज। तो तेक्षी में जो BSF कैंप है वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है पूरी, और आपका जो भी परमिट है एयरलाइन परमिट वहाँ पे चेक होता है, आपकी ID चेक होती है, हर चीज आपकी चेक होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे थोड़ा समय लगता है BSF जो चेक पोस्ट है, उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाता है थांग विलेज के लिए जो आखिरी पोस्ट है BSF की। वहाँ से बिल्कुल अगला गाँव जो होता है POK का होता है, गिलगित बाल्टिस्तान का विलेज आपको कहते हैं कि वहाँ से दिखाई देता है। और जो थांग विलेज की डिस्टेंस है तुरतुक से वो लगभग 10-11 किलोमीटर का है, तेयाक्षी विलेज है वो 5 किलोमीटर है। तो मतलब ये तेयाक्षी बीच में पड़ता है तुरतुक के और थांग के बीच में।
तो उसके बीच में ये नया ब्रिज बनाया है अपने हमारी आर्मी ने। हम अभी पहुंचने वाले हैं, कुछ ही दूरी पे, एक दो किलोमीटर की दूरी पे ही रह गया थांग जो पोस्ट है हमारी BSF की, बस वो वहीं तक अलाउड है हमें जाने का, तो उसके आगे अलाउड नहीं है। तो ये मेरे साथ साथ एक शायोक रिवर चल रही है अभी, और शायोक रिवर के साथ साथ ही हम हंदर से आए हैं, तो हंदर से भी शायोक रिवर आ रही है इस लास्ट विलेज थांग में, और ये आगे निकल जाती है पाकिस्तान के अंदर। लास्ट दोस्तों हम पहुंच चुके हैं थांग विलेज में, और ये आखिरी पोस्ट है BSF की। तो ये चारों तरफ का व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और 2016 से पहले काफी फायरिंग होती थी इस एरिया में, लेकिन 2016 के बाद कभी भी कोई फायरिंग नहीं हुई, काफी शांति है इस एरिया में, और आप एंजॉय कीजिए इस व्यू को। बहुत ही एक्सक्लूसिव हमारी ये जर्नी है, और ये जितनी भी वीडियो है बहुत एक्सक्लूसिव है, आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं वो काफी कम आते हैं, जिसकी वजह से ये अभी तक अनसुलझा एरिया है। तो आप दोस्तों ये ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं ज्यादा से ज्यादा आए, और हमारे कंट्री की इन विलेजेस की हेल्प हो सके, थोड़ा टूरिस्ट से इनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी हो जाए। और ये बोर्ड लिखा हुआ है यू आर 2.2 किलोमीटर अवे फ्रॉम गिलगित बाल्टिस्तान विलेज, तो हमारे यहाँ से 2.2 किलोमीटर ही है, मतलब कि POK स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारा नेशनल फ्लैग लगा हुआ है इस पोस्ट पे, तो हम सैल्यूट करते हैं हमारी BSF को, जो कितनी हार्ड वर्क करके, सर्दियों में तो यहाँ बिल्कुल ही बर्फ होती है और जम जाता है चारों तरफ, लेकिन फिर भी हमारी आर्मी और BSF पूरी जज्बे से यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। तो ये ऊपर की पहाड़ियों में सामने ये सारे पाकिस्तान के भी बंकर बने हुए हैं, और हमारे इंडियन के भी बंकर बने हुए हैं। बायोनेकुलर से आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारी पोस्टों को, कोई पहाड़ी पाकिस्तान की है, कोई एक पहाड़ी हमारी इंडिया की, इस तरह ये बटे हुए हैं। ऑलराइट दोस्तों, अभी हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया थांग विलेज को, हमने आपको तुरतुक भी दिखाया, त्याक्षी विलेज भी के बारे में भी बताया आपको। तो अब हम वापसी जा रहे हैं, पेंगोंग लेक तो आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय यहीं पे लग गया है, लगभग 2-2.5 बज चुके हैं, और वापसी में भी हमें 2-2.5 घंटे और लगने वाले हैं। तो हम मैक्सिमम जहां तक पहुंच सकेंगे आज वहां पे पहुंचेंगे, और आज रात स्टे करेंगे। मोस्टली हम अंदर को क्रॉस कर देंगे, और डिस्किट को भी मोस्टली हम क्रॉस कर देंगे। अब मैक्सिमम जहां तक हम पहुंच पाएं तो आज रात वहां पे पहुंचेंगे, और वहीं पे हम स्टे करेंगे। अभी हमारा ऐसा कहीं फाइनल नहीं है कि हमने वहाँ पे स्टे करना है, ऐसी कोई जगह पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो पेंगोंग लेक तो आज हमारा पॉसिबल नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में हमने वही प्लान बनाया था, तभी हम जल्दी जल्दी हमने स्टार्ट की थी जर्नी अपनी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर ठोक देना, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं यही कहूँगा कि आप कभी भी लद्दाख आएँ तो एक बार तुरतुक जरूर विजिट कीजिए, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड से, वंदे मातरम, जय हिंद।